Welcome to JAFARSIR'S E-Class, JEC. Today we are going to complete activity number 12 of Standard 8th subject English. Learning outcomes or competency statements. इसकी जो दर्सी है मुहासिल है वो इस तरह से है 21 writes a coherent and meaningful paragraph through the process of drafting, revising, editing and finalizing. यानी बामायने या उससे मुंसलिक तहरीर करना उसकी एडिटिंग और उसका फाइनलाइजिंग करने आना. नंबर 22 राइट्स एन एसे. एसे यानी मजमून. मजमून लिखता है, मजमून अवेसी करता है. 23 अटेम्प्ट्स क्रिएटिव राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स मीन्स स्टोरीज, पोएम्स, स्किट्स, डायलॉग्स, कार्टून्स, जोक्स, प्ले, लेट्स, ईटीसी मीन्स एटसेट्रा. यानी अपने तौर पर लिखने की कोशिश करता है मुख्तलिफ़ किस्म के कहानियाँ, नज़में, स्किट्स यानि तंजिया और मुकालमे, कार्टून्स है, जोक्स है, लतीफ़े हैं, प्ले ड्रामे हैं वगैरह वगैरह. इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलेटर्स. ये टीचर्स और पेरेंट्स और फैसिलेटर्स के लिए जो है इंस्ट्रक्शन से हिदायत है. डिक्लेयर दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी. यानी डिक्लेयर करना चाहिए, इसका इजहार करना चाहिए कि बच्चे जो है, तुलबा जो है वो कहानी लिखने वाले हैं. राइट द वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड टाइम ऑन द बोर्ड. बोर्ड पर जो है कैरेक्टर लिखा जाएगा, सेटिंग लिखा जाएगा, उसका टाइम लिखा जाएगा. एलिसिट एंड राइट द रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट द एलिमेंट्स मेंशन्ड ऑन द बोर्ड. अब जो बोर्ड पर कैरेक्टर लिखा गया है, सेटिंग टाइम लिखा गया है, तो उससे जो है रिलेटेड आपको क्या करना है, उसका इजहार करना है, एलिसिट करना है आपको अपने रिस्पॉन्स का, आपके रद्द अमल का. और फिर उसे जो है वो क्या करेंगे, बोर्ड पर लिखेंगे. गिव अ बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी. और टीचर्स को जो है स्टोरी को बिगिनिंग करके देना है, शुरुआत उसकी करके देना है. एलिसिट द फर्दर पार्ट ऑफ स्टोरी. और स्टोरी का जो फर्दर पार्ट है, आगे का जो हिस्सा है, मजीद जो हिस्सा है, उसे जो है एलिसिट, उसका भी यानी इजहार करना है, उसको भी बतलाना है. राइट द रिस्पॉन्सेज ऑन द बोर्ड. और वो जो रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, जो रद्द अमल, जो जवाब मिलेंगे, उसे बोर्ड पर लिखना है. आस्क देम टू रिवाइज एंड सी इफ द स्टोरी इज डेवलप्ड एज डिज़ायर्ड. यानी ये पूछना है उनसे, तुलबा से, कि ये जो स्टोरी हम लिखने जा रहे हैं और जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं और जो आपके रिस्पॉन्सेज लिखे हैं, तो ये आपके मुताबिक, आप जैसी चाहत रखते थे वैसी स्टोरी तैयार हो गई क्या, डेवलप हो गई क्या, बन गई क्या. इंस्ट्रक्शन देम टू कीप इट स्पेलिंग एरर फ्री एंड पंक्चुएशन एरर फ्री. और आपको ये कहना है, उन्हें ये हिदायत देनी है कि इसकी स्पेलिंग और इसके जो पंक्चुएशन है, इसे जो है बग़ैर कोई गलती के यानी आपको उस पर लिखना है, उस पर ध्यान देना है. एडिट वेर एवर नेसेसरी. जहाँ भी मुमकिन हो आपको क्या करना है, मुनासिब हो वहाँ पर एडिट करना है, उसमें तरमीम करना है. आस्क देम टू राइट डाउन द स्टोरी इन दियर नोटबुक्स. और उन्हें ये कहना है ये सब होने के बाद कि आपको ये स्टोरी आपके नोटबुक में लिखना है. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है. फॉर्म ग्रुप्स एज डायरेक्टेड. जैसा बतलाया गया उस तरह से आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है.
give responses against the words, characters, setting, times. इसके मुताबिक आपको जो है जवाब देना है. Go on adding to the happenings of the story. अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है उसको आगे आपको जो है कंटिन्यू करना है, आगे कंप्लीट करना है, बढ़ाना है स्टोरी को. Revise and see if the story developed is as desired. आपको इसका रिवाइज करना है, इसका यादा करना है, इसे देखना है आगे भी कि अगर यानी ये स्टोरी आपके यानी कंप्लीट हो गई है क्या, मुकम्मिल हो गई है क्या आप जैसे चाहते थे. चेक फॉर स्पेलिंग एरर्स एंड पंक्चुएशन एरर्स. अपने को जो चेक भी करना है, जांचना भी है कि इसमें स्पेलिंग एरर है क्या, कोई पंक्चुएशन एरर है क्या, गलती है क्या. कॉपी द स्टोरी इन देयर नोटबुक. और अपने अपने कॉपी यानी करो, उसकी यानी नकल करो उन बोर्ड पर से जो देखकर लिखिए आप यानी कहानी स्टोरी. देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे स्टोरी दी गई है, काउज है यहाँ लिखे हुआ ऑन द बोर्ड. हमने ऐसे इस तरह से बताए हैं, हाउ मैनी काउज आर देयर. इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो देयर आर 4 काउज. व्हाट आर द दे डूइंग ग्रेजिंग. नेक्स्ट पिक्चर काउज एंड लॉयन. हाउ मैनी लॉयन इज देयर. कितने लॉयन है वहाँ पर. देयर इज अ लॉयन. सिर्फ एक लाइन है. व्हाट इज लॉयन डूइंग. लॉयन क्या कर रहा है. रनिंग अवे यानी दौड़ रहा है, भाग रहा है उनको देखकर. काउज लॉयन जो थर्ड पिक्चर है इसमें बताया गया है. वेयर आर द काउज. काउज कहाँ है. द काउज आर अवे फ्रॉम द फ्रॉम अ लॉयन. लॉयन से यानी भाग रहे हैं. व्हाट आर लॉयन डूइंग. लॉयन क्या कर रहा है इस पिक्चर में. किलिंग अ काउ. काउ को क्या कर रहा है. किलिंग कर रहा है. इस तरह से हमने लिख दिया है तो अब जो है उसकी स्टोरी इस तरह से बनेगी. द लॉयन एंड द काउज. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 काउज इन द फॉरेस्ट. एवरी डे दे यूज्ड टू ग्रेज टुगेदर इन अ पर्टिकुलर स्पॉट. दे वेयर ऑल फ्रेंड्स. वन डे अ लॉयन saw the cows grazing together. यहाँ इस तस्वीर में ये बताया गया पिक्चर में कि यहाँ पर चार यानी गाय हैं और ये क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, अपना यानी जो है अपना पेट भर रहे हैं और वे एक जगह ही यानी फॉरेस्ट में वहाँ पर यानी वो रहते हैं. नेक्स्ट पिक्चर का है. द लॉयन वॉन्टेड टू ईट देम सो ही वेंट टू कैच देम. वेन द काउज saw the lion all of them fought with him. The lion had to run away. अब यानी उसको जो है लॉयन ने तो देख लिया था और ऐसा चाह रहा था कि इनको यानी खाना चाह रहा था वो, है ना. तो लेकिन क्या किए, दो चारों ने मिलकर उसका मुकाबला किया, उससे फाइट किए और उसको वहाँ से भगा दिए. अ फ्यू डे पास्ड एंड द काउ क्वारल्ड बिटवीन themselves and started grazing separately. One by one the lion killed all of them. और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ये लोग में यानी ना इत्तेफाक के आगे झगड़े हो गए और झगड़े का फ़ायदा उठाकर उसने एक एक को यानी जो है खाना शुरू किया और एक एक को ख़त्म किया. मोरल क्या है इसका. मोरल ऑफ द स्टोरी यूनिटी इज स्ट्रेंथ. हाँ के एकता में ही ताकत है, इस तरह का ही इसका मोरल था. अब हम देखेंगे लर्निंग एक्टिविटी इन्हेंसेस टू डेवलप थिंकिंग स्किल. यानी तुलबा की स्टूडेंट की जो है थिंकिंग स्किल को बढ़ाना है. मेक्स चिल्ड्रन डेवलप देयर इमेजिनेशन स्किल्स. और यानी इमेजिनेशन स्किल जो सोचने की जो कुव्वत है इसे भी यानी क्या करना है, बढ़ाना है सोचने की महारत को. लर्नर्स लर्न्स द प्रोसीजर ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन को यानी मुकम्मल करने के लिए सीखना है. थैंक यू. तो ये था आज के दिन का ब्रिज कोर्स का लेसन. इसे आप कंप्लीट कीजिए, इसे सीखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय. गुड बाय. हैव अ नाइस डे.